सफेद सफेद ही आ जाती है मालूम में, क्या आ जाती है? तो कहता है इसके अंदर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन एंड हेयर, हेयर के और स्किन के दोनों के पिगमेंटेशन के लिए ये पिगमेंटेशन फेस पे आपका पिगमेंटेशन नहीं आने देता, और जो बालों का जो कलर होता है ब्लैक कलर, ब्लैक कलर के बालों को ब्लैक मेंटेन रखता है कॉपर। ये खास बात होती है एलोवेरा के अंदर। अगर एलोवेरा लेते हैं तो एलोवेरा लेने वाले को जल्दी, एलोवेरा लेने वाले को जल्दी उसके बाल सफेद नहीं होते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि बाल नीचे से काले आने शुरू हो जाए। हाँ जी, क्योंकि मैं अभी जस्ट रिसेंटली मैंने आपको बताया था एक पेशेंट है, अब मैं भी उसको उसको जो दिया मैं भी कोशिश कर रहा हूँ थोड़े बहुत बाल मेरे को भी आ जाए। तो उसके बाल ऐसे आए हैं जिसको इमेजिन भी नहीं कर सकते आप, इतने शानदार बाल है, और मैंने ग्रुप में डाला भी था, बहुत ही शानदार है, ऐसा लगा पता नहीं कहां से आ गए इतने सारे बाल अचानक से। तो अगर आपका बॉडी, देखिए बाल के झड़ने की वजह क्या है, जो हम खा रहे हैं उसके अंदर बालों को खुराक नहीं मिल रहा, क्या नहीं मिल रहा? और अगर हम रिवर्स ऑर्डर में काम करना शुरू कर दें, रिवर्स ऑर्डर में करेंगे तो रूट्स को खुराक भी मिलेगा, और जब रूट को खुराक मिलेगा वापस आपके फॉलिकल्स खुल जाएंगे, और खुलेंगे तो नीचे तो सब कुछ है ही, बाल निकल जाएंगे। तो ये चीज होती है कि हम क्या खाते, हमें तो मौका मिला नहीं और दो समोसे खा लें, मौका मिला नहीं मतलब बस मौका मिलना चाहिए छोड़े के नहीं। कहता है ऐसे कभी भी क्लीनिंग नहीं होती, ऐसे क्लीनिंग नहीं हो सकती, क्लीनिंग होने के लिए बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन होना चाहिए, बहुत ज्यादा पक्के होने पड़ते हैं, तब जाके क्लीनिंग आपकी होती है। क्लीनिंग ऐसे हवा पानी में नहीं होती, चार दिन खा लिया चार दिन तो फल बन गए साधु, और पांचवे दिन बस दर 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 जो मिला खा लिया। वो देखा करवा चौथ के व्रत में देखा, हम इंतजार करते रहते कि भाई कब हो और कब हम खा ले। कितना सुबह से कितना मेहनत करते हैं आप उस व्रत के लिए, और शाम को आप क्या नहीं खा लेते। अभी नवरात्रे आएंगे, सुबह से लेकर शाम तक नवरात्रे में क्या है, बहुत ही तमीज से रहेगी, और शाम को तो क्या कुट्टू का आटा के क्या क्या बना डालेंगे आप, तो बहुत कहना ही मुश्किल है क्या क्या चीज बनती है, तो ऐसा लगता है यार हमने पास के लिए ज्यादा बढ़ी। तो ये चीज जो होती है ना, ये एक चीज जो डिटर्मिनेशन होती है कि चार दिन किया पूरे सुबह से शाम तक किया, शाम को गड़बड़ कर दिया, चार दिन परहेज किया पांचवे दिन गड़बड़ कर दिया, तो क्लीनिंग नहीं हो सकती। क्लीनिंग करने के लिए बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन चाहिए। और देखिए ऐसे ऐसे केसेस हैं, ऐसे ऐसे केसेस हैं जिसको हम ये सोच नहीं सकते थे कि वो ठीक हो सकता है। जैसे एक केस होता है गैंग्रीन का, गैंग्रीन का केस होता है, जैसा ये पेन दिख रहा है ना आपको, ये जो पेन दिख रहा है ये ब्लैक, एक पेशेंट आया यहां से ये पूरा पोर्शन ऐसे ब्लैक, ऐसा ब्लैक, और आके जब वो बैठी तो क्लिनिक में हालत ऐसी कि सांस लेना मुश्किल हो गई, इतनी बदबू की शरीर में लाश कोई वहां पे रखा, खून जाता नहीं था उसके नीचे, पूरा ब्लैक। मैंने वो लेके कहां आए थे, ऑपरेशन थिएटर में उसका यहां तक काटने का पूरा इंतजाम हो गया था। अचानक से उसके हस्बैंड को ध्यान आया कि थोड़ा सा ना कुछ हड़बल बड़बल कर लेते हैं, नेचुरोपैथी कर लेते हैं, तो वो उठ के आ गया। और उसका जब आया तो मेरी तो हालत ऐसी खराब हुई थी मैं आपको बता नहीं सकता। उसका ट्रीटमेंट शुरू किया, उसकी नाखून वाखून कुछ नजर नहीं आ रहे थे, बिल्कुल ब्लैक। उसका जब ट्रीटमेंट शुरू किया, उसका जब परहेज शुरू किया, आप हैरान हो जाएंगे कि उसके पैर बिल्कुल साफ हो गए, और उसके नाखून ऐसे आ गए जैसे छोटे बच्चे के नाखून आते, जो कि वर्ल्ड का इम्पॉसिबल केस है। गैंग्रीन कभी भी किसी कीमत में भी ठीक नहीं हो सकता। एक एग्जांपल देखो, जैसे मान लिया कोई घर में आपने पौधा लगाया, उस पौधे की अगर कोई ब्रांच, कोई पर्टिकुलर ब्रांच अगर गल जाए तो क्या करोगे, प्लग कर दोगे, काट के फेंक दोगे। ऐसी गैंग्रीन में होता है, अगर कहीं गैंग्रीन हो गया है, मान लिया कि यहां गैंग्रीन है तो यहां से काट के फेंक दिया,
उस केस में अगर आप देखेंगे तो उसके 100% रिवाइवल होंगे और नाखून भी उसके आ। ये कमाल है हर्बल प्रोडक्ट्स। लेकिन एक महीने तक वो लेडी बिल्कुल तमीज से, क्योंकि जान आफत होती है नहीं पड़ता, ऐसे तो भाई करेगा, जान आफत आती है ना तो अच्छे अच्छों की सही हो जाती है, पर हम लोग बस आते ही तभी है, जान आफत आ जाती है आराम से आता कौन है ना, एक क्रॉसिंग खा लिया हो गया काम जी, तो हमारे पास आते भी नहीं। तो जो जान आफत होती है ना तब आते हैं, और तब जब वहां पे उसको डिटर्मिनेशन होता है ना, हमें ज्यादा बोलना नहीं पड़ता है, पर तमीज से वो करते हैं और रिजल्ट भी तमीज से ही आता है। तो ये एक एक चीज सोचो, एक एलोवेरा अगर आपका इतना काम कर सकती है, एक एलोवेरा इतने सारे वर्क्स कर सकती है, तो क्या लगता है आपको 60% बिजनेस वॉल्यूम है या नहीं आपका? और 60% बिजनेस वॉल्यूम है तो सर आपका पटाया ट्रिप भी हो ही जाएगा। ये बहुत आसान है, क्योंकि मैं बार बार एक ही बात रिपीट करता हूं, अगर एक भी परेशान आदमी को, एक भी दुखी आदमी को अगर आपने ठीक कर दिया था, तो आप उसके लिए भगवान हो, आप भूल जाओगे कि आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। उसकी जो दुआएं मिलेगी ना और जो खुशी मिलेगी, देखिए एक पेशेंट है आए, आप ही लोगों के बीच में से आए, एक पेशेंट ये लेके आया मेरे पास, तो उस पेशेंट का जरा सा हाल चाल सुनिए जरा क्या है। अभी भी नहीं, जब आए थे तो क्या पोजीशन? जब शुरू में आए थे तो दो कंबल ओढ़ के रख रखा था इसी गर्मी में भी, और इनर उसके ऊपर शर्ट और नीचे भी मतलब इनर सा पहन रखा था, अभी भी इतनी गर्मी में भी। तो फिर करके क्लिनिक में मैं लेके आया, धीरे 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 कर करके हेमोपैथिक का दिए, मतलब कुछ मेडिसिन के रूप में और कुछ सप्लीमेंट्स के रूप में दिया, तो अब इतना अच्छा रिजल्ट है कि अब वो पंखा चला के रात में आराम से सोते हैं। वो पेशेंट को टाइफाइड हो गया और टाइफाइड के बाद उसको ऐसी ठंड लगी कि वो ठंड के कारण उसकी हालत ऐसी खराब कि जब वो आया तो 3 शर्ट पहना हुआ था, एक शर्ट के ऊपर दूसरा शर्ट, तीसरा और ऊपर से ऐसे ढक के। ओ भाई, उसकी हालत देख के, वो इतनी खराब उसकी हालत की, इतनी गर्मी में, अभी मौसम में वो ठंड से उसकी हालत खराब, उसको पर्टिकुलर वो चीज कहीं ना कहीं उसकी बॉडी के अंदर क्या था, जो ब्रेन के अंदर आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड बॉडी का टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। अब हम लोगों क्या सोचना है, हम लोग ये सोचना है यार कौन सी ऐसी चीज दें जो इसके हाइपोथैलेमस पे वर्क करना शुरू कर दे, इसके एंडोक्राइन ग्लैंड पे वर्क करना शुरू कर दे। तो एंडोक्राइन ग्लैंड पे वर्क करने के लिए हमारे पास क्या है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड पे वर्क करती है, आप उसको देना शुरू करो, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। और वो इस चीज को बोलता था कि कैसे भी ना मैं बस कपड़े खोल के पंखे के नीचे बैठ जाऊं, मतलब ऐसी हालत। तो आप सोचो ऐसा पेशेंट जब आपके पास आता है, मेरा मुद्दा कहने का है, अगर ऐसा पेशेंट आपके पास आता है और उस पेशेंट को आप क्या करते हो, करेक्ट कर देते हो, तो आपको लगता नहीं है कि उसका पूरा खानदान आपके पास आ जाएगा? बिल्कुल सर, बिजनेस वॉल्यूम की कमी है नहीं। आप सर घर में एक दो और पटाया ले जाए, बिजनेस वॉल्यूम आपके पास इतना हो जाएगा कि कोई समस्या नहीं है। आपको बार 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 एक ही चीज मैं समझाता हूं, आप सिर्फ क्या ढूंढिए, ऐसे लोगों को ढूंढिए जो लोग परेशान हैं। अगर आपने ऐसे लोगों को ढूंढा और उसको करेक्ट किया, तो नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा तो हमारे पास आएगा ही आएगा, और हमारे पास लोगों की दुआएं भी आ जाएगी और हमारा बिजनेस वॉल्यूम भी आ जाएगा। तो सब कुछ अगर हमें वेल का प्रोडक्ट दे रहा है, सब कुछ हमें वेल का प्रोडक्ट दे रहा है जो नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी नीड है, जिस वजह से आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए, वो सब कुछ तो आपको वेल का प्रोडक्ट है। तो उस वेल के प्रोडक्ट को जानना बहुत जरूरी है, और मुझे उम्मीद है इतनी सारी चीजें आपके दिमाग में जरूर आ गई होगी, ये सारी चीजें इसके अंदर अवेलेबल है, एलोवेरा के अंदर अवेलेबल है, और एलोवेरा अगर हम उसको देंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा? आप
अगर आपने इसको आंवला को अगर आपने 6 बजे दिया, ठीक है, तो आधा घंटा इसको काम कर लूंगा, आधा से 1 घंटा। अगर आपने आंवला दे दिया उसको, तो उसको आधे घंटा से 1 घंटा आंवला को काम करने दो, उसके बाद आप उसको ऐड करो, और इस दौरान कोई भी मिल्क प्रोडक्ट उसको नहीं देगा। अगर इस दौरान आपने कोई भी मिल्क प्रोडक्ट उसको दिया, तो फिर आपको कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। सर नोनी पी रहे हो, नोनी पी रहे हो तो आपको एक ही चीज सेलेक्ट करना पड़ेगा, चाहे आप नोनी सेलेक्ट कर लो आप एलोवेरा। इतने सारे सप्लीमेंट्स भी मत दो कि वो इरिटेट होंगे, दूसरे में नहीं भाजे। तो सीधी सी बात है कि हमें हमें ये देखना है कि पेशेंट की रिक्वायरमेंट क्या है। कोई ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, कुछ ऐसा हर्बल प्रोडक्ट सेलेक्ट करो जो प्रोडक्ट एक हो और उसकी सारी चीजों को कवर करे। एक कोशिश करना चाहिए कि एक दो प्रोडक्ट से ज्यादा ना हो। कई बार मैं देखता हूं कि वो नोनी भी ले रहा है, इंटेलेक्ट भी ले रहा है, डिटॉक्स भी ले रहा है, मतलब जितना हो सकता है सब ले रहा है। तो ऐसा कोई फायदा नहीं है। कल एक कंसल्टेंट आए, उनका वजन 145 वाइफ का, 136 हस्बैंड का। ये मोदी के कंसल्टेंट के दामाद और वो है नाम है। अब ये चीज ये मैंने देखा, मैंने मुझे पता था मोदी के कंसल्टेंट के दामाद है और बहू है, ये बेटी है, तो डेफिनेटली मामला तो बहुत कुछ अंदर जा रहा हूँ। जब मैंने से मैंने पूछा तो मैं तो हैरान हो गया, वो इंटेलेक्ट भी ले रहे हैं, फ्लेक्स ऑयल भी ले रहे हैं, एलोवेरा भी ले रहे हैं, नोनी भी ले रहे हैं, आंवला भी ले रहे हैं, देता था भाई सब इतना, और वो सब ले रहे। अब बताइए अगर इतनी सारी चीजें अगर आप लेंगे तो ये एक दूसरे में ही एक दूसरे को क्या करेगी, वो क्लैश कर देगी, एक दूसरे को डिस्टर्ब करेगी, काम कोई भी नहीं करेगा। तो ये समझदारी रखिए आप। देखिए एक एक चीज जो एक एक बारीकी जो इसकी देर है ना, इसमें आपको यही सोच के समझना है कि हमें कम से कम प्रोडक्ट देंगे उसको कैसे ठीक करना। अगर आप कम प्रोडक्ट देंगे तो ज्यादा पेशेंट ठीक होगा और ज्यादा दिन तक वो पेशेंट उसको लेगा, है ना। आप इंटेलेक्ट बना दिया जी, 1100 रुपए का बिल सपोज कुछ होगा, है ना, 900 रुपए कुछ और दे दिया, 800 रुपए कुछ और दे दिया, सब पता लगा जी 5000 रुपए का मामला टिका दिया आपने, 2500 में 3000 बिजनेस वॉल्यूम आपने कर लिया अपना, लेकिन वो पेशेंट दोबारा कभी भी आपके पास नहीं। और अगर आपने सिर्फ एक या दो चीज से उसको ठीक किया तो डेफिनेटली वो भी आएगा और ठीक होगा तो 10 को और भी बेचेगा। तो थोड़ी सी इंटेलिजेंसी रखनी है, नियत हमें खराब नहीं करनी है, पेशेंट को इलाज करना है, नियत खराब नहीं करनी है। तो यही क्या है, चलो एक ही को काट लो, ऐसा नहीं होता। सोने की मुर्गी देने के लिए देने का मतलब ये नहीं होता कि मुर्गी को ही काट डालो, इतना अंडा है कि बार सोने के निकाल देता, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये कहावत भी है और आपको ये चीज को अप्लाई भी करना पड़ेगा कि अगर हमारे पास ऐसी चीजें हैं, वाकई में सोने की मुर्गी है, नेटवर्क मार्केटिंग सोने की मुर्गी ही है, और आपने यहाँ पे अगर हम सब बैठे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, तो हम सब किसको देख रहे हैं भाई, कोई 2 लाख रुपए पड़ेगा हमारे, कोई 1 लाख रुपए पड़ेगा हमारे पर डे का, 60 लाख रुपए महीने का मतलब 2 लाख रुपए पर डे, 60 लाख रुपए महीना कोई कमा रहा है तो 2 लाख रुपए पर डे कमा रहा है, कोई 30 लाख रुपए महीना कमा रहा है 1 लाख रुपए पर डे कमा रहा है, कोई 15 लाख कमा रहे हैं तो 50,000 पर डे कमा रहे हैं, और सब हम इसी ख्वाब में यहाँ बैठे हैं। लेकिन ये ख्वाब तब पूरा हो सकता है जब वेलनेस के प्रोडक्ट की आपको जानकारी हो और वेलनेस के प्रोडक्ट में पूरी ईमानदारी हो। अगर आप ईमानदारी नहीं बरतेंगे तो आप दे किसको रहे हैं पता है, आप वेलनेस का प्रोडक्ट किसको देते हो, खास अपने जानने वाले, दोबारा शक्ल दिखाने लायक नहीं देंगे। तो कहते हैं सर इस चीज का खास ख्याल रखिए, तो आप एलोवेरा के बारे में शायद मुझे लगता है काफी है। एक चीज कि जैसे अभी आपने बताया कि डायबिटीज के लिए दे सकते हैं, तो तकरीबन होता है कि जिसको डायबिटीज है उसको बीपी भी जरूर होता है, ऑलमोस्ट ये देखने में आता है, तो कोई दिक्कत है उसको दे। बिल्कुल बहुत बढ़िया है। देखिए एलोवेरा में सबसे खास बात होती है, एलोवेरा में
खास बात होती है, ये कोलेस्ट्रॉल को डाउन करता है, कोलेस्ट्रॉल को डाउन करेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल को, बीपी को, हाई बीपी को कंट्रोल करेगा, ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर करेगा, ये तीनों क्वालिटी एलोवेरा के अंदर होती है। क्या क्या करेगी वो? कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर देगी, हाई बीपी ऑब्वियसली उसके साथ कम हो जाएगा, और ब्लड के सर्कुलेशन को एलोवेरा बहुत अच्छी तरह से मेंटेन कर देगी। क्योंकि अभी मैंने बताया था कि ये जो हमारे मेटल है, ये कॉपर, कॉपर किस पे काम करती है? ब्लड सेल्स पे काम। तो ब्लड सेल्स पे अगर ये काम करती है तो डेफिनेटली आपके ब्लड का सर्कुलेशन क्या होगा? मेंटेन होगा। ब्लड सेल पे काम करेगी तो ब्लड आपका क्या होगा? थिक नहीं होगा। क्या नहीं होगा? अगर ब्लड थिक नहीं होगा, आपने देखा है कि जो हार्ट के केसेस होते हैं तो उनको डॉक्टर क्या बोलता है? भाई ब्लड को थिन करने के लिए दवाई ले लो, बोलता है। तो ब्लड के डेंसिटी को, ब्लड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ये हमारा क्या काम करेगा? कॉपर वहां पे मेंटेन करेगा। तो ब्लड आपका ज्यादा थिक नहीं होगा, और ब्लड ज्यादा थिक नहीं होगा तो सर्कुलेशन की प्रॉब्लम आपको नहीं। सर थायराइड में जैसे वेट ओवर हो जाए तो उसमें क्या? सर थायराइड के लिए देखिए सबसे अच्छी बात होती है कि मैंने आपको एक चीज बताया था लास्ट नोनी वाले क्लास में कि नोनी एक ऐसी चीज है हमारे पास जो पांच एंडोक्राइन ग्लैंड पे वर्क करती है, पांच एंडोक्राइन ग्लैंड पे वर्क करती है, और पांच एंडोक्राइन ग्लैंड में एक आपका वो भी ग्लैंड है जिसको हम पाइनियल ग्लैंड कहते हैं, जिसका किसी भी मेडिसिन का एक्ट नहीं है। उसमें कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं बनी जो पाइनियल ग्लैंड पे एक्ट करे, लेकिन नोनी पाइनियल ग्लैंड पे एक्ट करती है, और पाइनियल ग्लैंड के फंक्शन को अभी तक कोई मेडिकल साइंस ठीक से बता नहीं पाया। और जो हमारे शास्त्र हैं, पुराने बुक हैं, वो कहते हैं पाइनियल ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जिसको जब बहुत ज्यादा आप आराधना करते हैं, बहुत ज्यादा आप ध्यान करते हैं, तो आपकी पाइनियल ग्लैंड से अमृत की वर्षा होती है, और वो एक बार अगर शुरू होगा तो आपका केस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट अगर हम जाए तो नोनी वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट थायराइड के लिए, बहुत अच्छा प्रोडक्ट हमारे पास है, हम उसको ले सकते हैं। प्लस में और चीजें भी होती है, डाइट के, डाइट को आप थोड़ा सा मेंटेन करेंगे, 3 महीने के अंदर थायराइड की प्रॉब्लम डेफिनेटली ठीक हो जाती है, इसमें कोई भी मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और 10 साल मिनिमम 10 साल तक मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि थायराइड की मेडिसिन आपको नहीं खानी पड़ेगी। नोनी के अलावा कुछ और भी साथ में लगा सकते हैं, डिपेंडिंग सिचुएशन क्या क्या है और उस हिसाब से प्रिस्क्राइब करना पड़ता है। सिर्फ 3 साढ़े 3 साल का बच्चा है, उसको थायराइड, उसको भी दे सकते हैं। हाँ जी, 3 साढ़े